एक बीजीएस सेमीफाइनलिस्ट अंडरडॉग ने डिमांड करी है 4 से 5 लाख रुपए सैलरी की, वो भी पर प्लेयर पर मंथ। अमन ने रिप्लाई दिया कि टीम सोल को वो एज अ कोच अब क्यों नहीं आने वाले वापस। मायावी ने यहाँ पर रिप्लाई दिया 2-2 एलिगेशन के ऊपर। साथ ही साथ वो एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में भी बात करते हैं, एंड एज वी नो की टीम सोल एलिमिनेट होते हुए नजर आए, जिस पर हमें डिफरेंट रिएक्शन एंड ओपिनियन हमें देखने को मिले। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा, क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। अब वीडियो के हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं बीजेएस के साथ। सो बीजेएस की फाइनल 16 टीम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी हैं, एंड ऑन स्क्रीन आप उन 16 टीम्स को देख पा रहे होंगे, प्लस हमें यहाँ पर एलिमिनेटेड टीम्स भी देखने को मिली, जिसमें हमें बड़ी बड़ी टीम के नाम भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टीम सोल, न्यूमन गेमिंग, टीम मायावी एंड और भी काफी सारी टीमें। एंड यहाँ पर हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली कि जब टीम सोल एलिमिनेट हुई थी, क्रॉन्टन की तरफ से यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टोरी हमें देखने को मिल जाती है, कोई ना होता है वर्क हार्ड। एंड वो बोलते हैं यहाँ पर 16 टीम्स मिल चुकी है जो की बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ऑफ कोर्स ऐसा गॉड लाइक वो इस टाइटल को क्लेम करना चाहते थे, बट इस बार नहीं हो पाया। वो अपनी गलतियों से सीखेंगे एंड किसी भी टीम को या किसी भी प्लेयर को कोई भी हेटरेट नहीं है। प्लस वो एक फनी स्टोरी भी अपलोड करते हैं, मैचेस तो देख लिए, अब फाइनल साथ में देखेंगे। एंड बीजेएस सेमीफाइनल में जब यहाँ पर हमें टॉप 16 टीम्स देखने को मिल गई थी, तो जोनाथन स्पैम होता हुआ नजर आया। वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पे टीम सोल का एलिमिनेटिंग मोमेंट ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, जो हमें बीजेएस में देखने को मिला था। वो आगे आगे देखना ये है कि क्या फाइट्स लेंगे। ऑलरेडी ऑटोबॉट्स के दो खिलाड़ी एक सेफर एरिया में हैं, ऐसे में देखना ये कि क्या वो रुक करके यहाँ पे फाइट लेने के लिए जाएंगे, और शायद हाँ गॉब्लिन को वहां पे इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा। अक्षत की बात करें, एचपी उनकी भी लो, मिस्टर फ्लेक उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया है, बट अब देखना ये कि क्या वो नॉक निकाल पाएंगे। झराशाही होते हुए नजर आएंगे मात्र दो खिलाड़ी, हेक्टर और नियो यहाँ पे सर्वाइव करते हुए। हेक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा डैमेज आया है, और हम बात कर भी रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस जो गलत लिए गए और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन देखना यह है कि क्या यहां से भी कमबैक पॉसिबल। जवाब है शायद न्यू एंड गॉब्लिन, देखने वाली बात रहेगी क्या ये फ्लैग यहां पे वो निकाल पाएंगे। नेट जरूर डाला गया न्यू की तरफ से, बट ओरजी उनके पास जो नेट है वो बेहतर जगह पे जा पाएगा, और मुझे लगता है कि डैमेज देगा। चूक गए मेरे ख्याल से ओरजी, मौका था उनके पास कि एक बेहतर नेट वो डाल पाते, बट अब मौका दोबारा है और नेट की तो बारिश होगी। गॉब्लिन का बचना काफी मुश्किल, नियो अकेले प्लेयर, हेक्टर वहां से इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहे हैं, बट अब ओरजी वो पुश कर सकते हैं, ऑटोबॉट्स अपने प्लेयर्स को रिवाइव दिया, बट एक और चीज है यहां पे टीम ट्रबल में। ऑल्सो अमन यहां पर एक फैक्ट स्पिट करते हुए नजर आते हैं कि क्यों वो टीम सोल को वापस से अब कोच नहीं करने वाले। अमन भाई यार टीम के साथ जुड़ जाओ, जरूरत है तेरी। हाँ वो जब टीम का डाउनफॉल आता ना, तब भी आप लोग आते हो सब ना, इससे पहले तो कभी नहीं आए। जब मेरी 17 की वॉचिंग थी तब कहाँ थे आप? क्या हुआ भाई? सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं गाइस, देखो सिंपल सी बात है, मैंने उस टाइम पे बहुत बहुत सेक्रीफाइस कर लिया था। उस टाइम पे स्ट्रीम करके मैंने देखा था लोगों पे वॉच पार्टी करने का टाइम मिलता था, खुद के गेम सुधारने का टाइम नहीं था मेरे पास, ना क्लासिक खेलने का टाइम था, ना क्लासिक में अच्छा खेलने का टाइम था। तो वॉच पार्टी एक ऑप्शन था जिससे आगे कुछ और मैं कुछ 6-7 महीना उस टाइम पे कुछ कर सकता था, और वॉच पार्टी पे 17-20 लोग आते थे। मैं उसी टाइम में समझ गया, तो उस टाइम तो कोई था नहीं, तो उस टाइम जब था नहीं, जब हम लोग जीत रहे थे तब तो मैं पूरी मेहनत कर रहा था, तब कहाँ थे बताओ मुझे? और आज यहाँ पर आ करके तुम लोग स्पैम करो, ये सब मत करा करो यार। मैं बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम से मत करो, क्योंकि वो तो अब चीज़ होने वाली नहीं है। मेरा बहुत डेडिकेशन था उस टाइम पे, बहुत मेहनत थी, एंड लिटरली 5-7 वॉचिंग पे मैंने स्ट्रीम करी लोगों पे। और तुम चाहते हो कि फिर मैं सब कुछ छोड़ दूँ अपना, और उस वॉचिंग को पूरा एकदम 7 वॉचिंग पे मैं कंटिन्यू करूँ? आई नीड अ वेपन। चूतिया लिखा है क्या सर पे? बहुत कुछ सेक्रीफाइस हो गया और अब मैं नहीं कर सकता, अच्छी बात है। इंक्रीज योर रेस्पेक्ट, इंक्रीज योर रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कमाने से घर नहीं चलता मेरे भाई, पैसा चाहिए होता है समझो। रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्ट तो हमने है ना इंडिया को 5 बार रिप्रेजेंट किया था। नहीं कोई फायदा नहीं हुआ, वेंट पे जाना है, समझ में आई। प्लस काफी लोगों को इंतजार है हाइड्रा लाइनअप के रिवील का, एंड डायनमो इस चीज के ऊपर एक सीरियस रिप्लाई देते हैं। आई मीन अब तक के रिप्लाई हमने देखे उनके, कभी सीरियस रहते हैं कभी फन वाले रहते हैं, बट इस टाइम पर वो एक मेजर सीरियस रिप्लाई देते हैं जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। आई नो दैट गाइस, देखो मैं अब एक बहुत प्यार से आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। मैं जो वर्ड्स बोलने जा रहा हूं, ये वर्ड्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं गाइस, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी आपको ये वर्ड्स बता चुका हूं, बट आई डोंट नो व्हाई आप लोग हो या कुछ लोग हैं जो जानबूझ के ये चीज स्पैम करते हैं, जानबूझ के लोगों को ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के कुछ बुरा बोलने को लगाते हैं किसी को।
राइट, बट पता नहीं क्यों लाइक क्यों आप लोग इस चीज को बार बार ट्रिगर करते हो। मेरे को पता है कि लाइनअप चाहिए, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लाइनअप चाहिए, मुझे पता है ब्रो। एंड आपको क्या लगता है, हम लोग काम नहीं कर रहे इस चीज के पीछे? आपको नहीं लगता? मैं और ऋषभ लिटरली रात के 3-4 बजे तक बैठ के हम लोग मैचेस देखते थे, ठीक है? मेरे को लोगों के नाम भी नहीं पता, मेरे को पता था भाई ये बंदा ऐसा, भाई ये बंदा वैसा, भाई ये इस और का, ये उस राइट, मुझे नहीं पता था, फिर भी हम बैठ के देखते थे। ओके, अभी सीन क्या हो गया कि जब लोगों को पता था ना कि BGIS है या जो टूर्नामेंट है, सारे बंदे कॉन्ट्रैक्टेड होते। आप किसी को भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो एक काम कर भाई, क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और फटाक से हमारे पास नाम लगा दे, ऐसा नहीं होता है। ये हो गया टीम की बात है। ओके, अब आते हैं ऑफिशियल बातें। आप क्राफ्टन के ऑनगोइंग टूर्नामेंट में किसी को भी जाके नहीं बोल सकते कि भाई इसका नाम चेंज करते, इसको हमारे नाम पे खिलाते, ऐसा नहीं होता है। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपको शेयर कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं इतने महीनों से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हाँ ये वो ऐसा है ही नहीं, ऐसा कुछ भी। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मैं आपको एक फैमिली की तरह समझ के शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रोसेस में लगे हुए हैं, राइट? मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, बट अगेन सेम चीज़ बार बार कंटिन्यूसली सेम चीज़, लाइक कब तक करोगे यार? वाई? इतना ईजी अगर होता ना गाइस, तो आपको ना ऐसी आज के टाइम में कितनी और चल रही है, चलो मान लो 50 और चल रही है आज के टाइम में इंडिया में, राइट? मान लेते फॉर एग्जांपल 50 ऑक्स चल रही है इंडिया में। अगर इतना इजी होता ना ब्रो, आज के टाइम में ना कम से कम आपको 1000 ऑक मिलती है इंडिया में, हजारों ऑक के नाम पे लोग खेल रहे होते हैं, हजारों बूट कैंप्स होते हैं, हजारों यू नो प्लेयर्स आपको ऑक के नाम पे खेलते हुए मिलते हैं। हम देखो, मैं आपको मान लो, चलो मैं आपको बोलता हूँ कि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ कि नवंबर की 1st तारीख को लाइनअप है, बट ऐसा नहीं है ना ब्रो। आपको कॉन्ट्रैक्टेड चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको ऑफिशियल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको बस ये लगता है कि भाई काम करो, घर से बाहर निकलो, दो कदम बाहर चलो, दुकान में जाओ, चार बंदे खरीद के लेके घर पे आके बिठा दो और उनको लाइनअप का नाम देखो और खिला दो। बट यहाँ पर हम टीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें HT की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिल जाती है कि उनकी टीम BGIS फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अंडरडॉग टीम होगी जो कि क्वालिफाई कर गई है BGIS फाइनल्स। एंड जो 16 टीम्स हैं उसमें से 7 अंडरडॉग टीम्स यहाँ पर क्वालिफाई करी है। अब इन 7 अंडरडॉग टीम्स में से वो कौन सी टीम है जो HT की टीम है? एंड ज़ियान ये स्टोरी डालते हैं, 2 ऑफ अवर शॉर्ट लिस्टेड एंड साइन टीम्स आउट ऑफ द फाइनल 20 वी हैड सेलेक्टेड क्वालिफाइड फॉर BGIS फाइनल्स। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव व्हेन the pure needs of the game could not make it, our two teams did it। यानी कि यहां से पता चलता है उनकी एक टीम के ऊपर नजर नहीं बल्कि 2 underdog teams के ऊपर नजर है। बाकी underdog team के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें ये न्यूज़ निकल करके आती है कि एक underdog team है जो कि BGIS finals के लिए क्वालिफाई कर गई है, एंड उन्होंने 4.7 लाख की सैलरी की डिमांड करी है, वो भी पर प्लेयर पर मंथ एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। इस चीज के ऊपर कुल भाई ये बोलते हैं, अब ये 3-4 लाख पर प्लेयर कौन मांग रहा है? सटिया गए हो एक इवेंट क्वालिफाई करके, इतना पूरे टीम को मिल जाए वो भी सरप्राइजिंग होगा इस टाइम में। एंड सोमराज भी इस चीज पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 थी। बाकी माया भी हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम लाइव देखने को मिल जाते हैं, जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेटबैक, 2-2 एलिगेशन, कोचिंग वाली जर्नी, एंड वो गॉड लाइक एज अ कोच ज्वाइन क्यों नहीं करने वाले। आई थिंक इवन आई फेल्ड एज अ कोच दिस टाइम। अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं, मतलब बूट कैंप भी रहता हमारे पास, तो डेफिनेटली कुछ कर सकते थे। बहुत चीज़ें अगेंस्ट में थी हमारे, कंपटीशन था यार, अच्छा टफ कंपटीशन था। जोन लेना ही एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गई थी एक टाइम पे। हम अच्छा खेले हैं यार पूरे टूर्नामेंट में, लाइक हेटर्स तो बोलते रहेंगे 2-2 जो भी चल रहा है। मैं जानता हूँ कि हमने राउंड 1 से लेके अभी तक कितनी मेहनत करी है, कितना हमने ग्राइंड करा है, कितने कम टाइम और कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में, इवन उससे हट जाने के बाद भी हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। हम और बेटर कर सकते थे, बट आई फील कि प्लेयर्स आर रियली टैलेंटेड एंड आई पर्सनली फेल्ड एज अ कोच दिस टाइम। प्लेयर्स आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, बट आई थिंक कि मैं एज ई स्पोर्ट्स में अब एज अ कोच शायद पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट अब नहीं करने वाला हूँ। हाँ, ये जो हेटर्स हैं कि एलिगेशंस क्लियर करो, प्रूव करो कि पास्ट में हैकर नहीं थे, हम डेफिनेटली उसको करूँगा। जो भी मेरे पास है मैं सारा कुछ ला के रखूँगा, एक एक चीज़ आप लोगों को दी जाएगी। आप बोलो अब क्या, ये जो आप सुनते हो ना कि क्लियर कंक्लूसिव एविडेंस,
मैं अपना एविडेंस दूंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि कंक्लूसिव एविडेंस वो था कि ये था, एक फोन कॉल पे आके किसी ने कुछ बोला है वो भरोसा करने लायक है, या फिर जो मैं प्रेजेंट करूंगा, जो पीओवीज मैं प्रेजेंट करूंगा वो काफी रहेंगे आप लोगों के लिए। पहले एक बार वो देख लेना। जॉइनिंग गॉड लाइक, नहीं भाई, आई थिंक मेरा, आई पर्सनली फील कि ई स्पोर्ट्स एक बीजीएमआई का कोच बन के रहना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज वो लेवल का स्ट्रेस हर 6 महीने में, वो लेवल का प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है यार। लाइक आई थिंक मैं एक कास्टर ही शायद ठीक रहता, कास्टर भी अच्छा था, मैं शायद कास्टिंग अच्छी कर रहा था। एंड टीम आईवी को लेकर के यहाँ पर स्नेल एक स्टोरी अपलोड करते हैं कि उन्होंने राउंड 3 और लूजर्स ब्रैकेट में काफी अच्छा खेला, एंड उनकी तरफ से सारी एक्सपोजिंग और ट्रोलिंग बंद हो जाएगी अगर वो सबके सामने आकर के सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें। एंड घातक भी यहाँ पर मायावी को अप्रिशिएट करते हैं, मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड गाय आई हैव एवर सीन, इतना हेट मिलने के बाद भी इस बंदे ने कभी गिव अप नहीं करा, ना ही इसकी टीम ने। हैट्स ऑफ टू यू एंड मोर पावर टू यू ब्रदर। व्हेन टीम सोल के एलिमिनेशन के चलते यहाँ पर मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज हमें एसिटल साइड से देखने को मिल जाती है, द चैप्टर मे बी एंडिंग बट द बुक कीप्स गोइंग ऑन, एंड वापस से वो ड्रॉइंग बोर्ड की तरफ जाएंगे और डिस्कस करते हुए नजर आएंगे कोच और प्लेयर्स के साथ कि क्या कुछ चल रहा है एंड क्या कुछ वो इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक आई ओपनर है उनके प्लेयर्स और कोच के लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ऑफिशियल, साइनिंग ऑफ।